थाना क्षेत्र अंतर्गत श्री भूमिया खेड़ा सेवा ट्रस्ट ने स्टेट हाईवे 59 निर्माण करने वाली कंपनी प्रबंधक के अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा न देने का आरोप लगाया है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वह मुआवजा न मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे और यदि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। हाईवे स्थित भूमिया खेड़ा मंदिर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए श्री भूमिया खेड़ा सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष गजराज सिंह राणा ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी उपसा कंपनी द्वारा नगर में पुल निर्माण और सड़क चौड़ीकरण को भूमि का अधिग्रहण किया गया था। आरोप लगाया कि निर्माण कंपनी द्वारा अभी तक अधिग्रहित की गई मंदिर की भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष राजकुमार ने कहा कि भूमि अधिग्रहण में कंपनी ने भारी गड़बड़ी की है। अधिग्रहित भूमि का गलत तरीके से दूसरे लोगों को मुआवजा दे दिया गया है। मंदिर की भूमि के लिए 204 वर्ग मीटर का मुआवजा कंपनी द्वारा दिया जा रहा था, जबकि केवल 26 वर्ग मीटर की मुआवजा राशि दिए जाने की बात कंपनी द्वारा की जा रही है। कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री समेत विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। चेतावनी दी कि अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो मंदिर की एक इंच भी जगह नहीं देने दी जाएगी, फिर चाहे इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक क्यों न लड़नी पड़े। ट्रस्ट के संरक्षक नाथिराम भगत व नकली सिंह ने आरोप लगाया कि भूमिया खेड़ा के समीप जमीन अधिग्रहण कर 24 व्यक्तियों को 14 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दिया गया है, जबकि भूमिया खेड़ा मंदिर की जमीन का मुआवजा देने में आनाकानी की जा रही है। ट्रस्ट के लोगों ने पीएम व सीएम से मामले की जांच कराकर उचित मुआवजा दिलाने और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। देवन से अफजाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। या खेड़ा सेवा ट्रस्ट की जो जमीन सड़क के किनारे 230 वर्ग मीटर 230 वर्ग मीटर में से 26 वर्ग मीटर जमीन हमारी बची हुई है, बाकी जमीन सड़क वालों ने एक्वायर कर ली या गलत तरीके से अपने अंडर में इस्तेमाल कर ली। हमारे पास 230 वर्ग मीटर में से केवल 26 की जगह बची हुई है, बाकी जमीन का हमें मुआवजा चाहिए। उस मुआवजे की मांग के लिए हम लोग बैठे हैं।